हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वेलविशा डबल ऑन डबल ऑन। तो आज मैं ये अनबॉक्सिंग करूँगा फ्लाई फिशिंग के कुछ सामान की जो मैंने अमेरिका से मंगवाया है अपने एक फ्रेंड के हेल्प से, जो लगभग मुझे 13,000 का पड़ा। और अगर मैं उसे इंडिया के अमेज़ॉन से मंगवाता तो मुझे पर पीस लगभग 4,500 से 5,000 तक पड़ता, यानी कि लगभग 35 से 40 हज़ार की चीज़ें मुझे 13,000 में पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेड फ्री वायर है, जिससे हम फिशिंग हुक में थोड़ा सा वेट, एक्स्ट्रा वेट ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वायर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है, अच्छी है और सॉफ्ट है। इसे आप सीज़र से कट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सोल्डरिंग वायर बिल्कुल नहीं है। ये है मछली की आंखों की तरह दिखाई देते हैं, हर एक शेप और साइज़ में कलर में अवेलेबल है, जिसे आप अपने लूर या फिर बेट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप फ्लाई फिशिंग के बारे में थोड़ा भी बहुत भी जानते हैं तो शायद आपको पता होगा कि जो मछली पकड़ने के लिए हमारे पास हर बार अर्थवर्म या फिर केचुए, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम कुछ ऐसी चीज़ों की हेल्प से उसे मिमिक करने वाली कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मैंने बॉक्स खोल दिया है और ये एक ट्वीज़र है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। हालांकि ये है चाइना का, लेकिन बहुत चलता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में। और अभी आप देख सकते हैं इसमें हर तरह की, हर शेप की, साइज़ की, कलर की और अलग अलग टेक्सचर की आँखें हैं। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कलर प्लास्टिक फॉइल है, ये बड़े लूर के लिए। इसके साइज़ 1 mm के से स्टार्ट होकर 9, 10 और 11 mm तक है। इसे हम रख देते हैं साइड में। और अभी ये फ्रील, जिसे कहते हैं शिनेल, जिसे हम फिश की बॉडी बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे क्रैब बेट बनाना चाहते हो यानी कि केकड़ा, तो उसे भी आप इसे बना सकते हो। इसे आपको हुक में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है और उसे पर एक पतले धागे की मदद से उसे आपके बांध देना होता है। इसके कलर्स आपको काफ़ी ब्राइट लग रहे होंगे अभी लाइट में, लेकिन ये पानी में जाने के बाद थोड़ा सा डिम हो जाते हैं और मछलियों को दिखने वाले ये कलर्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर प्राणी का विजन अलग होता है, हर एक एनिमल जो है उसे कलर अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये उस हिसाब से बनाए गए हैं कि मछलियों को ये साफ अच्छी तरह से दिखाई दे। और यह है रबर लेग्स, जिससे हम जो भी बेट या फिर लूर बनाएंगे या फिर फ्लाई फिशिंग में हम छोटे से अगर कीड़े भी बनाते हैं तो ये सॉफ्ट रबर लेग्स हैं। आपने देखा होगा इसे लूर्स में लगाए हुए आंखों के साथ में, या फिर स्क्विड पकड़ने में जो हम बेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग कलर्स में है और इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। ये मुझे अमेरिका में पड़े लगभग $18 के, $18 एक स्ट्रैप में 30 है, 30 पीसेस है। लेकिन आप इसे इंडियन अमेज़ॉन से मंगवाओगे तो आपको पड़ेंगे 7,600 में। जैसे कि आप देख सकते हो ये इसमें ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी सारे कलर्स हैं इसके अंदर। ये जो लाल वाला भी दिखाया मैंने, और ये देखिए आप 3D लुक दे रहा है थोड़ा सा। इसे आप क्रैब लेग्स बना सकते हैं, केकड़े के पैरों को ये अच्छे से मिमिक कर लेता है। और लास्ट में अभी हम आएंगे बीट्स की तरफ। बीट्स यानी छोटे छोटे गोल गोल, जैसे किसी नेकलेस या फिर हार में जो मनी होते हैं छोटे, उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। आप इनके साइज़ पे मत जाइए, ये 0.5 और 1 mm के हैं, और ये भी मेड इन चाइना है। इसे हम जो फिशिंग हुक है उसके ऊपर लगा के उसमें एक्स्ट्रा वेट दे सकते हैं। अभी आप जो देखने जा रहे हो ये बालों का काम करता है,
जैसे कि आप किसी अलग टाइप का बीटल या फिर कोई और टाइप का कीड़ा बना रहे हो या फिर कोई क्रिएटिव चीज़ बना रहे हो, तो उसमें आपको इसे इस्तेमाल करना है। ये उनके बालों की मिमिक्री अच्छे से कर लेता है या फिर पैरों की। इन जो भी मैंने चीज़ें अभी आपको दिखाई, हर एक चीज़ का काम अलग अलग है, इसका कलर, इसका वज़न अलग अलग है। अगर आप सॉल्ट वाटर फिशिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको इनमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप